नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी की अंतिम विदाई थी। अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा था, लेकिन इस जनसैलाब में दया बहन कहीं नजर नहीं आई। सभी की नजरें दया बहन को ढूंढ रही थी। सभी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर दया बहन क्यों नहीं आई। दरअसल दया बहन यानी दिशा वकानी पिछले साल से शो से दूर है। दिशा ने 30 नवंबर 2017 को बेटी को जन्म दिया था, तभी से वो अपनी बेटी के साथ वक्त बिता रही है। वैसे दिशा यानी दया बहन ने अभी तक शो में वापसी नहीं की है। दिशा मार्च तक मैटरनिटी लीव पर थी। उम्मीद की जा रही थी कि मार्च के बाद शो में वापस आएगी, लेकिन ये इंतजार खत्म नहीं हुआ। शायद यही वजह है जिनकी वजह से ना तो दया बहन शो में आ रही है और ना ही डॉक्टर हाथी के अंतिम दर्शन के लिए आ सकी। वैसे दिशा वकाने यानी दया बहन ने डॉक्टर हाथी के निधन पर दुख भी जताया था और कहा था कि मैं यकीन नहीं कर पा रही कि अब वो हमारे बीच नहीं है। ये शॉकिंग से भी परे है। वो काफी अच्छे इंसान थे, जैसे वो ऑन स्क्रीन थे वैसे ही वो ऑफ स्क्रीन थे। उन्हें खाने और खिलाने का बेहद शौक था। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी वो खास तौर पर मेरे लिए गुलाब जामुन लाते थे। जब से खबर मिली है तब से मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये और भी ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। शायद यही वजह है कि दिशा वकानी यानी दया बहन डॉक्टर हाथी के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ सकी। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।